गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास से। यूट्यूब चैनल पे शुरू करेंगे 19 नवंबर करंट अफेयर। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और क्वेश्चन नंबर एक शुरू करें। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुशासन प्रथाओं के प्रतिकृति पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय जो सम्मेलन है अभी सम्पन्न हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है? वो है जम्मू में, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के संघ शासित प्रदेशों में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर 2 दिवसीय सम्मेलन है वो लद्दाख जम्मू में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिनों में आयोजित सूत्रों के दौरान गहन विचार विमर्श के बाद जम्मू में आयोजित वेले डिकोरी सत्र के दौरान सम्मेलन में सर्वसहमति से सुशासन संकल्प को अपनाया। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। किसको? 16 नवंबर को। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए की गई थी, जो वर्ष 1966 में मनी थी। प्रेस दिवस भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीडिया के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर देखें तीन। तीन नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी गंगा कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन बिल 2019 के अनुसार गंगा नदी को प्रदूषित या बाधित करने के लिए क्या दंड हो सकता है? तो इसमें से क्या दंड हो सकता है? तो वो है 50 करोड़ रुपये और 5 वर्ष का कारावास इसमें दंड के रूप में हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कोई संगठन गंगा नदी के प्रवाह को प्रदूषित या बाधित कर रहा है, तो प्रस्तावित बिल राष्ट्रीय नदी गंगा 2019 के अनुसार व्यक्ति को 50 करोड़ रुपए और 5 साल के कारावास की सजा हो सकती है। प्रदूषण के कारण इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञा और गैर जमानती भी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार। चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 14 से 21 नवंबर तक नवंबर के महीने में रेत सप्ताह का आयोजन कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? तो वो कर रहा है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 14 से 21 नवंबर तक रेत उत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। बाढ़ और खुदाई के कारण रेत की उचित उपलब्धता नहीं है। रेत सप्ताह से आगे जिला प्रशासन ने अवैध रेत खनन और परिवहन को रोकने के लिए समन्वित दो दृष्टिकोण पर अपनी जगह स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँच। पाँच नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रीय मिशन निष्ठा को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वो किया जम्मू और कश्मीर ने। किसने? जम्मू और कश्मीर ने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन निष्ठा लॉन्च किया है। निष्ठा स्कूल के प्रमुख और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल के लिए एक संक्षिप्त है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक अग्रणी योजना है, जिसे पहले ही देश के बाकी हिस्सों में लॉन्च किया जा चुका है। इस मिशन का उद्देश्य एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सिखाने के परिणामों में सुधार करना है। जो आज का सवाल आपके लिए, जिसका नीचे कमेंट के द्वारा आपको जवाब देना है, वो है, निम्नलिखित अंतरिक्ष एजेंसियों में से किसने सबसे दूर के ब्रह्मांडीय आकार अल्टीमा थुले का नाम बदलकर एरोकोत कर दिया है? तो किसने किया है? ए नासा, बी जॉक्सा या इसरो, सी या डी ESA। नीचे जो कमेंट के द्वारा आपका आंसर हो वो जरूर बताएं, ए बी सी या डी में से। जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वो था, मैत्री दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। उम्मीद करें दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।